Hello everyone, welcome to Birla International School. So let's start students, class 3rd, subject English, worksheet 7. So very fast question is, complete the following sentences. हमें क्या करना है? इन sentences को बनाना है, fill करना है. Suitable pronoun and objectives form blank space. हमें इन blank space में क्या पढ़ना है? क्या फिल करना है? सूटेबल प्रोनाउन फिल करना है जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स हों. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, प्रोनाउन क्या होता है हम लोग इसको देखेंगे कि प्रोनाउन है क्या. ठीक है. सो प्रोनाउन जो है वो एक वर्ड है. ये प्रोनाउन जो है एक वर्ड है, इस यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन और फ्रेज. जो किसके प्लेस पे काम आता है? नाउन के प्लेस पे और फ्रेजेस के काम आता है, सेंटेंस बनाने के काम आता है. दैट कंटेन्स अ नाउन, जिसमें क्या शामिल होता है? नाउन शामिल होता है. ठीक है. अब ये देखिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है. तो सब्जेक्ट तो वो है जिसमें सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस जुड़े हों, जैसे कि सच एज जॉन रन्स, जॉन इज अ टीचर. ठीक है. तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग अबाउट whom द स्टेटमेंट इज मेड. सब्जेक्ट क्या होता है? एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा वर्ड है जिसकी वजह से पर्सन और थिंग के बीच में क्या होता है? स्टेटमेंट बनता है. ठीक है. ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है, एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन. ऑब्जेक्ट एक नाउन है दैट इज गवर्न्ड बाय अ वर्ब और प्रीपोजिशन. जो किसके थ्रू बनाया गया है? वर्ब और प्रीपोजिशन के थ्रू बनाया गया है. दैट इज कॉल्ड अ ऑब्जेक्ट. सो फर्स्ट, आई सॉ रंजीत. मैंने रंजीत को देखा. ही वॉज गोइंग टू स्कूल. वो कहाँ जा रहा था? वो स्कूल जा रहा था. सेकेंड, आई मेट उर्मिला. मैं उर्मिला से मिला. शी वॉज वेरी हैप्पी. उर्मिला जो थी वो बहुत खुश थी. थर्ड, लुक एट दोज बर्ड्स. उन बर्ड्स को देखो. दे आर फ्लाइंग वेरी हाई. वो बहुत ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं. सो वी आर यूजिंग सूटेबल प्रोनाउंस हियर. ओके. फोर्थ, परमजीत इज वेरी काइंड. परमजीत जो है वो बहुत काइंड है, बहुत दयालु प्रवृत्ति का है. ही हेल्प्स एवरीवन. वो सबकी हेल्प करता है. फिफ्थ, रेखा इज वेरी इंटेलिजेंट. रेखा जो गर्ल है वो बहुत इंटेलिजेंट है. शी स्टैंड्स फर्स्ट इन हर क्लास. वो हमेशा क्लास में क्या लाती है? फर्स्ट पोजीशन लाती है. सिक्स्थ, सुरुचि इज नॉट हियर. सुरुचि यहाँ पर नहीं है. हैव यू सीन हर? क्या आपने उसको कहीं देखा? सेवेंथ, माई फादर इज एट होम. मेरे फादर कहाँ पे हैं? होम में हैं. ही इज नॉट फीलिंग वेल टूडे. वो आज अच्छा फील नहीं कर रहे, इसलिए वो यहाँ नहीं आए हैं. वो कहाँ पे हैं? होम में. एट, आई हैव फाउंड अ बुक. मैंने क्या फाइंड आउट किया? एक बुक फाइंड आउट की है ना. मुझे क्या मिली थी? एक बुक, एक किताब मिली है, एक बुक मिली है. इज इट योर्स? क्या ये बुक आपकी है? नाइन्थ, वेयर आर रेखा एंड सुरभि. रेखा और सुरभि कहाँ है? आर दे इन द गार्डन? क्या वो गार्डन में है? टेंथ, माई ब्रदर लाइक्स बुक्स. मेरे ब्रदर को क्या पसंद है? बुक्स पसंद है. ही बाइज न्यू बुक्स एवरी मंथ. वो क्या करता है? हर मंथ, क्योंकि उसको बुक पसंद है ना, तो हर मंथ नई बुक्स खरीदता है. बी, फ्रेम सेवन सेंटेंसेस यूजिंग प्रोनाउंस. आपको क्या करना है? सेवन सेंटेंसेस बनाने हैं प्रोनाउंस को यूज करते हुए. जो हमने यहाँ यूज किए ना प्रोनाउंस, उन्हीं को यूज करते हुए. पर आप ये मत करना कि आप चीटिंग कर लो. ओके. You do not copy from the above mentioned pronouns sentences. Clear? First, I am your friend. मैं किसका friend हूँ? आपका friend हूँ. Second, we are going to Kota. हम कहाँ जा रहे हैं? Kota जा रहे हैं.
थर्ड, यू ऑलवेज ट्राई टू गेट सक्सेस. आपको हमेशा क्या कोशिश करनी चाहिए? सक्सेस लेने की कोशिश, सफलता लेने की कोशिश करनी चाहिए. फोर्थ, ही लाइक्स पार्ट्स पैट्स अ लॉट. वो क्या पसंद करती है? पैट्स. पैट्स क्या होते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं ना, पैट्स पालते हैं हम लोग घर में, है ना, डॉगी पालते हैं, काऊ पालते हैं. तो क्या कह रहा है कि इसको पैट्स बहुत पसंद है. फिफ्थ, शी इज सो ब्यूटिफुल. वो क्या है? वो बहुत ब्यूटिफुल है. ओके, सुंदर है. सिक्स्थ, दे वेंट भरतपुर यस्टरडे. वो भरतपुर कब गया था? यस्टरडे गया था, है ना. वो कल भरतपुर गए थे. दे वेंट भरतपुर यस्टरडे. सेवेंथ, इट इज अ गुड बुक. ये बुक कैसी है? गुड है, अच्छी है. ठीक है. सो स्टूडेंट, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस वर्कशीट 7 इन प्रॉपर वे. थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे.